everyone, this is Sumit. I welcome you to my channel, Let's Grow with English. Today we are going to learn some Hindi sentences which can be translated in English and उनको हम English में कैसे बोलते हैं कुछ हिंदी के difficult sentences. For an example, हम हिंदी में कहते हैं अपने साइकिल के टायर की हवा भर दो. So आपके टायर में हवा कम है, अपने साइकिल के टायर की हवा भर दो. So आप कह सकते हो inflate the tire of your cycle. Inflate the tire of your. जब आप कहते हो कि गेस्ट आपके घर पर आते हैं एंड आप कहते हो तो गेस्ट के अपने हाथ धुलवा दो, काम करवा दो, हाथ धुलवा दो. हाउ कैन यू से इट इन इंग्लिश? आप कहोगे हेल्प द गेस्ट वॉश देयर हैंड्स. हेल्प द गेस्ट वॉश देयर हैंड्स. इसी तरह से अगर आप कहना चाहो कि उनसे ये काम करा दो या उनके पैर धुलवा दो, उनको जगह दिखा दो या उनको सीट दिखा दो, आप यूज करोगे हेल्प द गेस्ट या हेल्प द पर्सन. Help the guest to sit in the room. Help the guest to wash their hands. Unke haath dhulwa do. Help the guest to wash their feet. Unke pair dhulwa do. Like this. Okay? Next, hum kehte hain, apne boot ke feete jo hain, unhe khol do. Aap unhe kholne ke liye aap kya kahoge? Unlace your shoes. And agar aap kehna chaho ki apne shoes ke laces jo hain, unhe baandh lo. To aap kahoge lace up your shoes. Next, आप कहते हो कि नल को खोल दो. So, नल को खोलने के लिए आप नहीं कहोगे कि open the नल, open the tap, something like this. Because opening is like, आप उसको खोल रहे हो, आप उस tap को ही खोल रहे हो. But it's not like that. आपको कहना है turn on the tap. जितनी भी तरह की devices होती है हमारे पास, machines या device, अगर आप उनको चलाने की या खोलने की बात करते हो तो आप ऊपर नहीं लगाओगे, उसमें टर्न ऑन लगाओगे. जैसे बल्ब चालू कर दो तो आप लोग कहोगे ओपन द टेलीविजन, ओपन द बल्ब. इट्स लाइक टर्न ऑन द बल्ब एंड टर्न ऑन द टेलीविजन, लाइक दिस. एंड एक हिंदी में कहा जाता है नींबू को निचोड़ दो. आपने नींबू को निचोड़ दोगे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू हैव टू से स्क्वीज द लेमन. ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन. जब हमारे पास संतरा होता है खाने के लिए एंड संतरे को हम छील करके खाते हैं, राइट? छील करके उसका छिलका निकलता है. सो आप अगर कहना चाहते हो संतरे को छील करके छिलके फेंक दो तो आप कहोगे पील ऑफ द ऑरेंज एंड थ्रो अवे द पीलिंग्स. पील ऑफ द ऑरेंज एंड थ्रो अवे द पीलिंग्स. सिमिलरली अगर आपके पास केला है, केले में डिफरेंट तरीके का छिलका होता है, तो उसको आप कहोगे हस्क ऑफ द बनाना. हस्क ऑफ द बनाना. आई बिलीव यू अंडरस्टैंड इट. Now, अब जब हम कभी कभी नहा करके आते हैं तो हमारा टॉवल गीला होता है. सो मम्मी गुस्सा करती है, मदर कहती है कि इसको निचोड़ दो. सो आप कहोगे रिंग आउट द टॉवल. रिंग आउट द टॉवल. अब तौलिया नहीं, इन इंग्लिश यू से इट टॉवल. नेक्स्ट आप कहते हो कि जब हम कहते हैं कभी कभी कोई गलती हो जाती है एंड हम कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है. सो कोई बात नहीं को इंग्लिश में आप कहते हो नेवर माइंड. Everyone, I believe that you understand all these sentences, how they can be translated in English. Thank you so much for watching my video. Do like and subscribe my channel. Keep watching and keep learning.